दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज के दिन मैं आपको ऑमलेट कैसे बनाते हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए आगे का वीडियो जो कंटिन्यूस करेंगे, ये प्रेरक मानिक मेरा हीरो, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मुझको नॉनस्टिक तवा लेना है और ये मैंने ले लिया और इसे मैं अभी ये देखिए इसे मैंने ऑन कर दिया है। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो ठीक है, इसे अभी मैं थोड़ा कम कर देता हूं। अभी हमें एक प्लेट चाहिए जिसमें हम अंडे को फेंट सके और साथ में एक चम्मच चाहिए। ठीक है, ये स्लो है, ये देखिए आप देख सकते हो स्लो क्या है। और अभी मैं एग ले लेता हूं। ये देखिए एग ले लिया हूं। अभी इसमें सबसे पहले हमें एग को ज्यादा ही हार्ड है, ये देखिए एक को हमने ये कर लिया है। और अब हमें एक स्पून चाहिए छोटा जिससे हम इसे फेंट सके। तो देखिए इसे आप जितना फेंट सकोगे, जितना मिला सकोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही अच्छा अपना ऑमलेट बनेगा। ये देखिए फेंट लिया है, फेंट रहा हूं, जितना फेंटोगे उतना ही अच्छा होगा। ये देखो गैस पर में, और ये अपना जो तवा है नॉनस्टिक वो भी अभी रेडी है। अच्छे से मिला रहा हूं, देखिए देख सकते हो आप। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा नमक डालना है, बस एक चुटकी, और लाल मिर्च जैसा आपका स्वाद है, जो तीखा खा सकता है तीखा, थोड़ा ज्यादा मिर्ची डाल सकता है, हल्दी थोड़ा जैसा आपके स्वाद के अनुसार। ये हुआ, और इसके बाद फिर वापस आपको इसको थोड़ा सा साथ में मिल जाए, ये देखना दोस्तों। और जैसे ही ये मिल जाता है अच्छे से, आप थोड़ा उसको अच्छे से मिलाइए, जितने अच्छे से मिलेगा उतना ही आपको अच्छा टेस्ट आएगा और ये अच्छे से ऑमलेट बन पाएगा, ना टूटेगा ना फैलेगा, तो इसका आप ध्यान रखिए। ये देखिए किस तरह से ये मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद अभी हम हमारा जो तवा है उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालते हैं। और ये ऑयल डालने के बाद हमें इसे ऑयल को फैला लेना है थोड़ा सा, यानी सब जगह पर ऑयल मिल जाए ताकि हमारा ऑमलेट पूरी तरह से अच्छे से लगे, ना कि ये तवे पे चिपक जाए। ये देखिए ये हुआ। अभी इसमें आपको नॉर्मली जब आप डालते हो तो आपको नॉर्मली आसानी से ऐसे डालना है,
ये देख सकते हो आप दोस्तों, और इस तरह से आपको थोड़ा सा इसे घुमा लेना है। और ये ध्यान देना है कि ये आसपास की जगहों पे जहां पर भी तेल लगाओ वहां पर अच्छे से फैले। थोड़ा सा हम गैस को अभी तेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो आप इस तरह से, और थोड़ा इसे देखिए, देखिए अभी हमारा जो ऑमलेट है थोड़ा पकने लगा है। थोड़ा सा हम गैस को तेज कर देते हैं। और तेज करने के बाद हमें ऑमलेट को थोड़ा सा घुमा लेना है दूसरे साइड। देखिए, आप देख सकते हो ये हमारा ऑमलेट है। और ये अभी बन चुका है दोस्तों, और ये धीमे आंच में अभी बन जाएगा, इसलिए मैं गैस को बंद कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी ये तो बन चुका है और हमने गैस भी बंद कर दिया है, तो इसे इस तरह से थोड़ा सा रहने दीजिए, थोड़ा और पक जाए। देखिए, उसके पहले अभी हमारा ऑमलेट तो बन चुका है, अभी हम उस पर थोड़ा सा सजावट कर लेते हैं। मीन्स जैसा कि ये मैंने अभी कोतंबर ले लिया है, वो थोड़ा सा हम उसे ऊपर से कोतंबर का भी स्वाद आना चाहिए। देखिए, देख सकते हो दोस्तों आप कि ये ऑमलेट बन गया है। सादा ही ऑमलेट है, ऐसा कुछ ज्यादा उसमें प्याज और कुछ ऐसा डाला नहीं है। देखिए, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।